को फयाजुल हसन चौहान ने मीडिया से बदतमीजी करने का राज खोल दिया। बोले, सवाल से पहले चिट्ठी लिखा था, बीवी की तबीयत ठीक नहीं, परेशान था, समझ ना आया और बोल गया, किसी को बुरा लगा हो तो मुआजरत खा हूँ। दरमियान मुझे चिट आई है कि मैंने आपको सिंपल ये बताया है कि आपके सहाफी ने जो सवाल पूछा, उस सवाल पूछने से पहले मेरे ड्राइवर ने यार उम्र तुझे हमें यार आपकी मिसाल दे रहा है यार, क्यों मैं रुका यार, खबर कर दे मैंने रोते रोते तकरीर की काजी साहब की याद में। सहाफी ये कहता है कि जिस काजी हुसैन अहमद की याद में आप प्रोग्राम कर रहे हैं, उस काजी हुसैन अहमद का अमीर ये इमरान खान साहब के हवाले से बातें करके गया है। उस मौका मुनासिबत से वो गलत सवाल था, मैं टेंशन में था, मैंने उस तरीके से जवाब दे दिया। अगर मजीद बात करते हैं सलमान तारिक से, सलमान तारिक बताएगा, बयानिया आ गया है, माफी भी मांग ली है और वजह भी बता दी है, कोई असल हकीकत सामने आई है? भाई वजीर फयाजुल हसन चौहान पंजाब असेंबली में पहुंचे मीडिया टॉक के लिए, तो उस दौरान साथियों की जानिब से भरपूर एहतजाज उनके खिलाफ किया गया और साथ ही बायकॉट भी किया गया, जिसकी वजह से वो मीडिया टॉक किए बिना ही आगे चल पड़े और साथ ही उन्होंने साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की और पूरी कोशिश की सफाई पेश करने की कि कल जो वाकया हुआ उस दौरान वो टेंशन में थे, क्योंकि उनकी जो बीवी है वो बीमार थी, तो इस हवाले से वो टेंशन में थे। तो बहरहाल जो भी कल हुआ उसमें उन्होंने साथ ही कहा कि जी अगर किसी की दिलेजारी हुई है तो किस मेरे जो भी मामला था उस हवाले से साथियों से वो माजरत भी करते हैं, लेकिन उनकी माजरत यहाँ मीडिया पर्सन की जानिब से नहीं तस्लीम की गई, क्योंकि अभी भी पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर सहाफी बरादरी जो मीडिया से ताल्लुक रखने वाले पर्सन जो जितने भी हैं वो सीढ़ियों पर मौजूद एहतजाज कर रहे हैं और इस एहतजाज में अपोजिशन अरकान भी उनके साथ हमरा है और वॉकआउट किया। बहुत शुक्रिया सलमान तारिक आपका।